जदि आम वृत्त एक निर्दिष्ट संख्यक बिंदु नवा ताले मनेकर मु दीटा बिंदु नेली ए बिंदु आ बी बिंदु ए बिंदु बी बिंदु को जोग करतुवा रेखाखंड उपरे जेते गुडिये बिंदु रहिले से समस्त बिंदु जदि वृत्त उपरे अवस्थान कले तेबे वृत्त होउजी गोटे उत्तल सेट एटा मु नवम श्रेणी रे तुमको कहिथिलि त्रिभुज गोटे उत्तल सेट ना उत्तल सेट नुह त्रिभुज गोटे उत्तल सेट नुहे से वृत्त गोटे उत्तल सेट नुहे कारण यही बिंदुटा वृत्त उपरे अवस्थान कला ना कौटी अवस्थान कला अंतर्देश अवस्थान कला से वृत्त गोटे उत्तल सेट नुहे वृत्तर बहिर्देश गोटे उत्तल सेट ना उत्तल सेट नुह वृत्तर बहिर्देश गोटे उत्तल सेट नुह गोटे पिला ये गोटे बिंदु ना पी ये गोटे बिंदु ना क्यू पी क्यू को जोग कर रेखाखंड जिते गुड़े बिंदु रही जदि समस्त बिंदु वृत्तर बहिर्देश अवस्थान करेंगे तेज वृत्तर बहिर्देश एक उत्तल सेट जड़े कह सारे ये नहीं गनी एम ए बिंदु ये नहीं गनी सी बिंदु जोग कर देनी तारे सारे सब वे बहिर्देश रहा ना सर्वदा बहिर्देश रही ना ये क्षेत्र में रहा कि वृत्तर बहिर्देश गोटे उत्तल सेट नुहे वृत्त गोटे उत्तल सेट नुहे आउ वृत्तर अंतर्देश गोटे उत्तल सेट मन रहा जानीगल कौटा वृत्तर अंतर्देश कौटा वृत्त आउटा वृत्तर उपरीत जोटे खाली वृत्त बोली कहवा तापर आम जाना ज्या विषय अच्छा पिले मत तुमने सब कही जे जदि एटा है वृत्तर केन्द्र ताले ए से वृत्तर केन्द्र जदि है ओ ताले यही वृत्तर आउ गोटे बिंदु नी ना ने मन कर पी ताले ओपीटा को कौन कहवा ओपीटा को कहवा वृत्तर व्यासार्ध से भाया ये आउ गोटे वृत्त नेली ए वृत्तर केन्द्र मन कर एम यही वृत्त उपरीत गोटे बिंदु नेली एम एम एन को जोग कले जो रेखाखंडी पाइली मन कर ना हूँ आर वन सी है व्यासार्ध तार ना ये मुझे आर नहीं जाइए तेणु एटा को नेली आर वन जदि आर इजिकल टू आर वन हुए ता अर्थ कौन ए वृत्तर व्यासार्ध जी ए वृत्तर व्यासार्ध सेत बड़े ये दीटांग वृत्त को कहवा कि वृत्त सर्वसम वृत्त एटा मन रखि था पिले एटा को कहवा कि वृत्त सर्वसम वृत्त ताले केते बेले दीटा वृत्त को सर्वसम वृत्त कहवा जेते बेले ए वृत्तर व्यासार्धर दर्घ्य जी ए वृत्तर व्यासार्धर दर्घ्य से मन कर ए वृत्तर ना हूँ एस वन ताले एस वृत्तर व्यासार्ध जी एस वन वृत्तर व्यासार्ध जदि से आम कह कौन यृत दीटा सर्वसम वृत्त बर्तमान आम जाना ज्या विषय ताले मु एस वृत्त गोटे ज्या नी मन कर से ज्याटा नी पी क्यू ये पी नहीं जाए बी करदेना बुझेगा ताले बर्तमान लक्ष्य कर ना यहाँ कहीं बी करवा छुआ जब पछुआ ब्या कर डेगे कौन अग्जा बी देखा बी कर देखा यहाँ बी ताले बी क्यू गोटे ज्या मन कर यार दर्घ्य आठ सेमी बुझिपार से वृत्त ये दीटा बिंदु ने भी आर ना नी एम आर ना नी एन ताले एम एन कौन गोटे ज्या ताले वृत्तर जेकोसी वृत्त जेकोसी दीटा बिंदु नहीं कि जोग करदे जो रेखाखंडा पाइम कौन कहमी वृत्तर एक ज्या ताले एठी ज्यार ना नी मन कर एस एटा को नी टी एस टी भी गोटे वृत्तर ज्या यही ज्यार दर्घ्य भी जदि नी आठ सेमी यही दर्घ्य जदि दर्घ्य नी आठ सेमी ताले तीन टाइम ज्यार दर्घ्य कौन समान ताले गोटे वृत्तर जदि आम दीटा ज्या नवा जदि से ज्या दीटा दर्घ्य सामान है सेत बड़े आम कह ज्या दीटा को कि ज्या सर्वसम ज्या ताले केते बड़े ज्या दीटा सर्वसम बोली कहवा
जेते बेले से माने गोटिए वृतरे अवस्थान करथुबे पुरा इंपोर्टेंट मन देख सुणा गोटिए वृतरे अवस्थान करथुबे एवं से मानंगर दर्घ्य समान हबो सेते बेले आमे कहिबा एदिराउ की जा सर्वसम जिया एडी मु दीटा वृत नेली ये गोटे वृत नेली आरो ना नेली माने कर सर्कल C1 एठी आ गोटे वृत नेली तारो ना नेली सर्कल C2 ये वृतर व्यासार्ध जदि नेली 5 सेमी जदि ये वृतर व्यासार्ध नेली 5 सेमी तले वृत दिराउ की वृत पाइबा ए वृत दिराउ पाइबा सर्वसम वृत अच्छा ई सर्वसम वृत रे एठी ओडे ज्ञान नेली तार ना नेली AB तार दर्घ्य होची मने कर 7 सेमी एठी ओडे ज्ञान नेली ता ना नेली मने कर PQ तार दर्घ्य भी 7 सेमी तले एठी कहि परिबा ना ज्या दीटा सर्वसम बोली कहि परिबा काई की कहिबा कारण ए वृत दीटा की वृत सर्वसम वृत तले एठु आमे जानिले जदी दीटा वृत सर्वसम होवंती तले केते बेले सर्वसम हेबे ताको व्यासार्ध दीटा जते बेले समान हेबे तेनु दीटा सर्वसम वृत रे जदी दीटा ज्यार दर्घ्य समान होवंती बुझि पाइले ता कहूची ता जदी दीटा ज्यार दर्घ्य समान होवंती सेते बेले से मानु को कहिबा सर्वसम ज्या मने रहिला त सर्वसम ज्या कोन सर्वसम ज्या कोन दीटा सर्वसम वृत रे जदि दीटा ज्यार दर्घ्य समान हुए सेते बेले से दीटा को कहिबा कोन सर्वसम ज्या नहले कहि परिबा गोटिए वृत रे जदि दीटा ज्यार दर्घ्य समान होंदी सेते बेले ताको कहिबा सर्वसम ज्या एबे बुझियला त सर्वसम ज्या बस तापर जानिबा ज्या संबंधी केतेक उपवाद्य ए उपवाद्य जदि हम बही रे ए वर्ष उठि जाय छी तथापि हम ताको प्रमाण कर दवा खूब कम समय लागबो मु ताको प्रमाण कर दउ छी कोन से तथ्यटा दिला मु तथ्य बता बेटा कहिबे मु फटाफट ताको प्रमाण कर दउ छी गोटिए वृत्त रे एडाला वृत्त आर केंद्र ला ओ गोटिए वृत्त रे व्यास भिन्न एक ज्या केंद्र देखि जो ज्याटा जीव से हला व्यास तेनु केंद्र उपरे जो ज्याटा नथिमा केंद्र देखि जो ज्याटा जाई नथिबो सेई ज्याटा कहिबा कोन व्यास भिन्न एक ज्या मने कर ए ज्यार ना नेली AB ज्या से कहूची एई केंद्र रु एई ज्या प्रति अंकित लंब एडुडे लंब अंकन कली मने रहला कोन कली वृत्तर केंद्र रु एई ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या कु समद्विखंडक करे जदि एई लंबर पाद बिंदु रो ना AB उपरे रहला ता ना देली D ताले आमे कहि परिबा कोन AD इक्वल टू BD से कहूची वृत्तर केंद्र रु ए ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या कु समद्विखंडित करे एटा खाली जस्ट पढ़ी दउची वृत्तर केंद्र रु एहार एक ज्या प्रति अंकित लंब सहिला एहा कु समद्विखंडित करे ताले प्रामाण्यटा कोन देला प्रामाण्य देला AD इक्वल टू BD ताले केते बेले AD टा BD सहित समान हबो तेन एटा गोटे अंकन हबो एटा गोटे रहउथु त्रिभुज रे एटा भी रहउथु गोटे त्रिभुज रे कोन बोले एटा त्रिभुज रहइबो ना एटा को जोग कर देले एटा त्रिभुज रहइबो एटा केते बेले रहइबो एटा को जोग कर देले ताले कोन कली अंकन रे OA OB व्यासार्ध अंकन कली तापर नै जीव ए दीटा अंक को आमे जते बेले समान बोली देखैबा ताले बर्तमान कोन करबा एही त्रिभुज आ एही त्रिभुज को सर्वसम देखैबा अच्छा देखले एही त्रिभुज मध्य रे दत अछि ना आ प्रति अंकित लंब तेन एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री एबा उटा एबा सहित समान कारण कोन एका वृत्तर व्यासार्ध गोटे वृत्त रे जते गुडिया व्यासार्ध नबा से मानकर दर्घ्य समान एवं एही बाटा देखलो साधारण कि नाही ताले सम गुण कर्ण बाहु शतवाधिक अनुसार ए दुटा त्रिभुज कौन हो गले सर्वसम हो गले जदि सर्वसम हो गले एक कोणटा जति कि एक कोणटा सेति कि एही कोणटा जति कि एही कोणटा सेति कि एवं एही बाहुटा जति कि एही बाहुटा सेति कि ताले AD जति कि BD सेति कि प्रमाणित हो गला बस छोड़ एटा हमर नाही एटा खाली मन रखिदा ताले तथ्यटी मन रखिदा खाली कोन तथ्यटी हला वृत्तर केंद्र रु एहार व्यास बिंदु एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंडित करे।
तापरे तार गोटे अनुसिद्धांत हूँ गोटे सरल रेखा वृत्त को दुई रु अधिक बिंदु छेद करेंगे ना मन रहा गोटे सरल रेखा वृत्त को दुई गोटे सरल रेखा वृत्त को दुई रु अधिक बिंदु छेद करेंगे ना यू प्रमाण कर असंभावयन पद्धति में कह छेद कै जदि छेद करती तीन टा बिंदु छेद करती तीन टा बिंदु जब छेद करती से ही बिंदु केन्द्र से तीन टाक बिंदु को जोग कर रेखाखंड को व्यासार्ध कह ताले से कह कथा गोटे वृत्तर गोटे सरल रेखा प्रति केतोटी व्यासार्ध अंकन करा संभव दीटा ये तीन टा मानते बड़े संभव जो तृतीय बिंदु वृत्त पर अवस्थान कर तेणु तृतीय बिंदु वृत्त पर अवस्थान कर मैंने यहीटार दर्घ्य यार दर्घ्य सहित सामान यहाँ केत जो दीटा बिंदु कौन करेंगे वृत्त पर अवस्थान करेंगे जो यार दर्घ्य यार दर्घ्य सामान हम तेल यहाँ दर्घ्य यार दर्घ्य केत सामान हम तेल यही बिंदु आर उपर अवस्थान कर अर्थात यहीटा हम कौन जार समाधिकरण तेणु केत बिंदु छेद कले सर रेखाटा वृत्त को दीटा बिंदु छेद कर नेक्स्ट हूँ तार विपरीत कथन जोटा कि आम बर्तमान कहते वृत्तर केन्द्र रु यार व्यास विनायक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समाधिखंडित करे तेणु आर विपरीत कथन टी हूँ जे गोटे वृत्तर व्यास विनायक ज्यार मध्यबिंदु रु व्यास विनायक ज्यार मध्यबिंदु रु अंकित लंब कहाँ मध्य देखि जीव केन्द्र मध्य देखि जीव ता विपरीत कथन टा मु पढि दउ छी टिके से कहू छी गोटे वृत्तर व्यास विनायक ज्यार मध्यबिंदु ज्यार मध्यबिंदु ओ केन्द्र को जेग करथुवा रेखाखंड उक्त ज्या प्रति लंब हब ए ना भाई हाँ उक्त ज्या प्रति लंब अटे आम देखा यही गुणटा लबे डिग्री बोली अच्छा एटा लबे डिग्री देखा यहाँ लबे डिग्री देखा तेणु केत दीटा कोण सामान है जो ये कोणटा गोटे त्रिभुज थी ये कोणटा गोटे त्रिभुज थी तेल अंकन हो गला बर्तमान से कहते यही दीटा जाक त्रिभुज जी सर्वसम देखेदे तेल बर्तमान प्रमाण कर यही कोण आई कोण सामान हम ना कि गुणटा युण सहित सामान यहाँ साधारण पुणी दत्त अच्छी कौन जार मध्यबिंदु ताले जार मध्यबिंदु ये सहित यहाँ सामान बुझे यहाँ सहित यहाँ सामान ताले बाको बासी पर अनुसार त्रिभुज दिटा सर्वसमय होगा तेणु यही गुण सहित यही गुणटा सामान पुनर्वार यहाँ गोटे सरल रेखा यहाँ गोटे छेदक ये दुटा कि गुण ये दुटा कहला सन्नीत परिपूरक तेणु ये दुटा जाक मिसिक 180 डिग्री तेणु दुटा जाक सामान प्रत्येक गुण के डिग्री है 90 डिग्री है तेणु यहाँ आ प्रतिलंब जदि यहाँ आ प्रतिलंब यहाँ टोटाल प्रतिलंब प्रमाणित होगा कि कहूँ कौन ये तथ्यटा उपर यही ज्यार समधिखंडक लंब उपरे किए अवस्थान कर केन्द्र अवस्थान कर भी मन रखे सब उठी जाए से कह गोटे वृत्तर केन्द्र यार जेकोसी ज्यार समधिखंडक लंब उपरे अवस्थान करे अवस्थित मन रहा गोटे वृत्तर केन्द्र यार जेकोसी ज्यार समधिखंडक लंब उपरे अवस्थान करे बर्तमान जोटा मुझे कारण जे कौनसी ज्यार मध्यबिंदु ठारे गोटे और केवल गोटे मात्र लंब अंकन संभव ये जो गोटे और केवल गोटे आ विषय मुझे कहमी जदि पार तुम्हें मन रख ताले वर्तमान आम जाना आमर आउ गोटे तथ्य बर्तमान जाना वृत्तांत लिखित त्रिभुज यहाँ भी मुझे कही वृत्तांत लिखित त्रिभुज कौन कौन वृत्तांत लिखित त्रिभुज किए कहपर वृत्तांत लिखित त्रिभुज वृत्तर अंतर्लिखित त्रिभुज ताले जेते बेले त्रिभुजर तीन टाक शीर्ष बिंदु वृत्त उपरे अवस्थान करेंगे ए बिंदुटा वृत्त उपरे अवस्थान कर बी उपरे वृत्त बी बिंदुटा वृत्त उपरे अवस्थान कर सी बिंदुटा वृत्त उपरे अवस्थान कर एस वृत्तर ए बी सी जदि वृत्त उपरिस्थ हुए ए बी सी को जोग कर कौन त्रिभुज ए बी बी सी सी ए प्रमाण जो कर त्रिभुज पाइबा जदि त्रिभुजर तीन टाक शीर्ष बिंदु वृत्त उपरे अवस्थान कले से त्रिभुजा को कह वृत्तांत लिखित त्रिभुज ए डेफिनेशन मन रखि ताले वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कौन जिते बड़े गोटे चतुर्भुजर चारिटा अंक शीर्ष बिंदु
वृत्त उपरे अवस्थान करिवे त लक्ष्य रख एस वृत्त रे पी क्यू आर एस चतुर्भुज रो चारिटा अंग शीर्ष बिंदु अवस्थान करिसंती तेणु ए चतुर्भुज टा को कहिबा वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एटा को मन रखिता ताले वर्तमान आज आमे हमर मेन पाठटी आरंभ होबो सेटा होची कोण ना गोटिए वृत्त रे गोटिए वृत्त रो गोटिएटा सामान्य कथन गोटिए वृत्त रो समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने ना ज्या समदैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारु समुद्रवर्ती केंद्र ठारु समुद्रवर्ती एडाला सामान्य उत्तम एईटा को आज आमे प्रमाण करबा तले एटा को आमे प्रथमे पढिबा जका मु पढु छी गोटिया वृत्त र आज चाचोटा वृत्त ना गोटिया वृत्त गोटिया वृत्त तापर पढु छी देखो गोटिया वृत्त र समदैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने तले प्रथमे पढिली गोटिया वृत्त तापर पढिली गोटिया वृत्त र समदैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने थर्ड पढु छी केंद्र ठारु समदूरवर्ती बुझी पाइले कि नहीं अच्छा पिले तम ठारु मोर दूरता मापिबा माने कोटा को मापिबा एटा विज्ञान को पढ़ा गोटे दूरता गोटे विस्थापन एटी विस्थापन टा कहवा दूरता विस्थापन कौन विस्थापन सर्वनिम्न व्यवधान ताले ए बिंदु आ बी बिंदु एटा विज्ञान पाठ नवम पढ़ाई मन पका जणे कहबे सर एई बाटा एई बाटा एई बाटा देखि गली एडी जाई पहुचली ताले ये भी हला ए जो पथ अतिक्रम कला ए अतिक्रांत पथ को कहबा दूरता जणे एम दि पड़ेला ये भी दूरता किंतु एम जणे एम दि गला एडा को कहबा विस्थापन ताले विस्थापन टा कोन सर्वनिम्न दूरता ताले वर्तमान एडा हला ओडे रेखा एईटी गोटे बिंदु अच्छी से बिंदु हला पी बिंदु यही रेखार ना नी मन कर सी डी रेखा अच्छा ये सी डी रेखा प्रति यही बिंदु रु केतोटी रेखाखंड अंकन संभव केतोटी रेखाखंड देखा नहीं केतोटी रेखाखंड असंख्य रेखाखंड अंकन संभव यही असंख्य रेखाखंड मध्य जो रेखाखंड टी यही रेखा ठारु सर्वनिम्न दूरतार अवस्थान करिछि सेइटा एई रेखा प्रति कोण हब लंब हब ताले मने कर सेई बिंदुडा जदि क्यू नेली ताले पी क्यू लंब सी डी सेतेले पी क्यू डा कहिबा सर्वनिम्न दूरता मने रहला एडा को कहिबा सर्वनिम्न दूरता बस ताले वर्तमान आमे जहां नै जदि सेई अनुसारे प्रथमटा कौन कहती प्रथमटा चित्र चित्रटा त्रिभुज करवा ना चतुर्भुज करवा ना पंचभुज करवा ना वृत्त करवा फास्ट कही वृत्त तेणु ये गोटे वृत्त अंकन कली यहाँ मो हाथ होगा कंपास है ओ यृतर ना नहीं गली एस ताल एस वृतर केन्द्र किए ओ से कौन कहला गोटे वृतर हो गला चित्र मोर सरीगलापर दत्त दत्त कौन कहला समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने यही वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने अच्छा यही वृत्तर केतोटी ज्या अच्छी आगे जानवा यही वृत्तर केतोटी ज्या अच्छी असंख्य ज्या अच्छी नहीं दिली मन पका केतोटी ज्या जो कौन समान दैर्घ्य गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या मु केतोटी नहीं पारि एटा भी असंख्य नहीं पारि लक्ष्य रख ये गोटे ज्या ये गोटे ज्या ये गोटे ज्या ये गोटे ज्या ये भी गोटे ज्या ज्या मानक दैर्घ्य समान से कौन कह सर्वसम ज्या बा सम दैर्घ्य विशिष्ट ज्या कतोटी अंकन कर असंख्य ज्या अंकन करहब ते कौच अच्छा जो आम प्रमाण करवा अति कम के ज्या को नहीं प्रमाण करवा अतिक्रम दीटी ज्या को नहीं प्रमाण करवा
তাহলে সেই বৃত্তটা লিখে দিল তো হাউ এটা হলো এস বৃত্ত এটা হলো কেন্দ্র হলো ও তাহলে যে কোন বলছি সমান্তরাল কেবিষ্ট দিয়া মানে আচ্ছা সমান্তরাল কেবিষ্ট দিয়া বৃত্তরে কতটি আছে অসংখ্য আছে তাহলে যেতবে আমি প্রমাণ করিবা সেই অসংখ্য দিয়ার মধ্যরু কতটি দিয়া নবা দুইটি দিয়া নবা তাহলে ইয়া হলো গোটে দিয়া মনে কর তা না নেলি এ বি দিয়া ये बड़े जिया मने कर ना नेली देखाउ नै कि समान होलिया मते तो देखाउ नै आउ तार ना नेली सी डी जिया ताले वर्तमान से एटा कहिला समान कर के विशिष्ट जिया माने तेनु जिया माने भीतर को केतडी जिया नेली दीटा जिया ताले वर्तमान एटा लिखु जी ए से वृत्तर केंद्र ओ ना को हे जिवे ए से वृत्तर केंद्र ओ आउ ए बी सर्वसम के सी डी बा एटा को सर्वसम न लेखि कि हां लिखि दबा कि नै ए बी सर्वसम सी डी एरो दुईटी ज्या बा एरो दुईटी ज्या के ए बी ओ सी डी हला तापर लिखि दबो ए बी सर्वसम सी डी कारण बाबा जी समान दर्घ्य विशिष्ट ज्या माने अच्छा समान दर्घ्य माने ए बी इज इक्वल टू सी डी ताकु मते आमे लिखि बेरिया जदि समान हैला सर्वसम हेबे जदि सर्वसम हैला समान हेबे हला ताले ए बी इज इक्वल टू सी डी बा ए बी सर्वसम सी डी बस चलिए लावर कोन दत्त तापर नबा प्रामाण्य प्रामाण्य को कहू छी केंद्र टारु समदूरवर्ती त केंद्र टारु जे तळे दूरता नबा ताले केंद्र टारु दूरता सर्वनिम्न दूरता नबा ना सर्वाधिक दूरता नबा ना मन इच्छा गोटे दूरता नबा যেতলে গোটে কোণসি বিন্দুটার গোটে বাউর দূরতা নবা সেতলে সর্বনিম্ন দূরতাটা নবা আর সর্বনিম্ন দূরতাটা কোন কন্দি লম্ব বলি কন্দি তাহলে এই বিন্দুরু এই জ্যা প্রতি গোটে লম্ব অঙ্কন করিব এই বিন্দুরু এই জ্যা প্রতি গোটে লম্ব অঙ্কন করিব বুঝে লাগি নাই এবং সেই লম্বর পাদ বিন্দু প্রথমে এটা অঙ্কন করছি এই লম্বর পাদ বিন্দু নেই যা এম এ এ লম্বর পাদ বিন্দু নেই যা এম जानी पार तो चित्रटा देखिकी ताले बर्तमान से कोन कहिला समान दर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारु समदूरवर्ती अच्छा केंद्र ठारु तांकर दूरता केते ज्यार दर्घ्य ताले केंद्र ठारु ए ज्याटी केते दूरता रे अछि किरे ओ एमे दूरता रे नै ए ज्याटी बा ए बी ज्याटी केंद्र ठारु केते दूरता रे अछि ओ एन दूरता रे अछि ताले से कोन कहउछि समदूरवर्ती ता माने हमें प्रमाण करिया कोन ओ एन इज इक्वल टू ओ एम ना बुझ भेलो ने केंद्र ठारु समदूरवर्ती केन केंद्र ठारु दूरता माने हला लंब ताले ई लंब दिटा अंग समदूरवर्ती ताले ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बोली देखैबा ताले केते बेले ओ एन डा ओ एम सहित समान केते बेले ओ एम डा ओ एम सहित समान केते बेले ओ एन डा ओ एम सहित समान बोली प्रमाण करि परिबा ये टाइम मु नवम श्रेणी रु कोई कोई मु पूरा आई आई गई एटा मते 1005 आई गला ताले एटा केते बेले समान जेते बेले कोन को ह एटा बडे त्रिभुज रे दिबो एटा भिन्न अन्य एक त्रिभुज रे दिबो ताले एटा त्रिभुज रे अछि ताले कोन बले एटा बडे त्रिभुज रहिबो ओ एम को कोन बले बडे त्रिभुज रहिबो ओटा ठीक आडे पळे छि कोन बले ओ एटा बडे त्रिभुज रहिबो मन इच्छा को किछि असुविधा नाही ଯେତେବେଳେ ଓ ସି କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ସେତେବେଳେ ଓ ଏମ୍ଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରହିବ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ କେତେବେଳେ ଓ ଏନ୍ଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରହିବ ଓ ଏନ୍ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଓ ବି କି ଯୋଗ କରିଦେବା ବା ଓ ଏ କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଅଙ୍କନ କ'ଣ କଲେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କଲେ ଓ ଏ ଓ ଓ ସି ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି ସେଇଆ କହିବ ଓ ସି ଓ ଓ ବି ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଏ ସ୍ପୃତର ଓ ସି ଓ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କରାଗଲା ଯୋଗ କରାଗଲା ଏବେ ଯାଇଛେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା କେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆ ସହିତ ସର୍ବସମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକୁ ସର୍ବସମ କରିବା
ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ନଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଓସିକୁ ଯୋଗ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ନଥିଲା ଓବିକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାର ନାଁ କ'ଣ? ଓ ସି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ବି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଦେଖେଇଦବା ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ସର୍ବସମ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ କରିବା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିବି କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ? ଓ ସି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ଓ ବି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ଫଟାଫଟ କୁହ, ଏଇ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି? ହଁ, ଓସି ଓସି ସର୍ବସମ ଓବି ରେ ଶୋଇ ପାଇଁ ଲେଖିବେ, ଓସି ସର୍ବସମ ଓବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏବିଟା ସିଡ଼ି ସହିତ ସମାନ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଟିକେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ? ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡ଼ି। ଯଦି ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡ଼ି ତାହେଲେ ଏ ବି ବାଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡ଼ି ବାଇ ଟୁ ହବନି? ଯଦି ଏ ବି ବାଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡ଼ି ବାଇ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା ଏ ବି ବାଇ ଟୁ କେଉଁଟା? ଏନ୍ ବି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? ଏ କ'ଣ ଏ ବି ବାଇ ଟୁ, ଏ ବି ବାଇ ଟୁଟା କ'ଣ? ଏନ୍ ବି, ଏନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଡ଼ି ବାଇ ଟୁଟା କେତେ? ସି ଏମ୍। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ନେଇଛି ସେଇ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଜଣେ କହିବ ସାର୍ ଏମ୍ ଡି ନେଇଯିବି, ଏଠି କହିବ ଯେ ଏନ୍ ନେଇଯିବି, ଏନ୍ ନେଲେ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଛି? ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଏନ୍ ନେଇପାରିବି, ବି ଏନ୍ ଏନ୍ ବି ବି ନେଇପାରିବି, ଏଠି ସି ଏମ୍ ନେଇପାରିବି, ଏମ୍ ଡି ବି ନେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟାକୁ ନେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ? ନା ସି ଏମ୍ଟାକୁ ନେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ, ତେଣୁ ସି ଏମ୍ଟା ବୋଲି କହିବ। ଯଦି ଏ ବି ବାଇ ଟୁଟାକୁ କ'ଣ କହିବ? ବି ଏନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ବି ବୋଲି କହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସମାନ ହୁଅ କି? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏମ୍, ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ସି ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଡି, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏନ୍ ବି ଏନ୍ ବି ସର୍ବସମ ସି ଏମ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ହଉ ଯଦି ନ ଲେଖିଛି ସେଇଠି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ନବ ଓ ସି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ବି ଏନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ, ଓ ସି ସର୍ବସମ ଓ ବି କ'ଣ? ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଓ ସି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ସି ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ସି ଏମ୍ ନବା। ତାହେଲେ ସି ଏମ୍ ସର୍ବସମ କିଏ? ଏନ୍ ବି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାରେ ସର୍ବସମ? ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆ ମାନେ, ଜିଆ ମାନେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ନେଲି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନବେ ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନବେ ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓ ଏମ୍ ସି କୋଣ, ଓ ଏମ୍ ସି କୋଣ ସର୍ବସମ କିଏ? ଓ ଏନ୍ ବି କୋଣ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉକ୍ତ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଜିଆର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିନ୍ଦୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା ତା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ ବା ସେଇଟାକୁ ସେ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମକୋଣ ହେତୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେତୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ଏବାହୁଟା ନା ଏବାହୁଟା ଏବାହୁ ସହିତ ସମାନ, ଏବାହୁଟା ଏଟା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବାହୁଟା ଏଇ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ? ଏବାହୁଟା ଏବାହୁ ସହିତ ସମାନ, ଏକୋଣଟା ଏକୋଣ ସହିତ ସମାନ, ଏବାହୁଟା ଏବାହୁ ସହିତ ସମାନ, କେଉଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ?
कौशिक अर्ज अनुसार बा को बा सिक अर्ज अनुसार ताले आमे लिखि परबा ए दत्त आ प्रामाण्यटा लिखि दउ ताले बा बा को बा सिक अर्ज अनुसार ए त्रिभुज दिरा कोण हेले सर्वसम ताले को त्रिभुज दिरा ओ सी एम त्रिभुज को त्रिभुज ओ बी एन त्रिभुज ए त्रिभुज दिरा कोण हेले सर्वसम हेले कोण पई ए त्रिभुज दिरा सर्वसम हेले कोण पई कौशिक अर्ज अनुसार बा को बा सिक अर्ज अनुसार ए बा को बा को माने बुझ पछ ना बाहु कोण बाहु तेणु बाको बा सिक अर्ज अनुसार त्रिभुज दिरा जदि सर्वसम हेले तले आमे कोण पाइबा ए त्रिभुज रो अवशिष्ट कोण अवशिष्ट बाहु जो त्रिभुज सहित सर्वसम हेछि तार अनुरूप अवशिष्ट कोण अवशिष्ट बाहु सहित सर्वसम हेबे ए कथाटी मते कहिथिले आमर बीड गला बेले लक्ष्मी मिश्र एलएम आउ कहिथिले एलएलबी लवंग लता बिश्वई बहुत बढ़िया मैथ रो से रिटायर हो जिवेनी ताले बर्तमान से कहिथिले बा को बा मते इति लवंग लता बिश्वई कहिथिले एलएलबी कहिथिले बा कोण मन सर बारे बाहु कहले तू जानु ना मु जानि मु जानि बारे बापा तू को बापा करते गेट सर दैछु एड मु कहले नाही सर नाही मैडम एटा मु ठीक कर दे हला तण से कहिथिले बाहु कोण बाहु सिक्वार्ज अनुसार ताले बर्तमान ए दीटा अंक त्रिभुज सर्वसम हैला ताले आर अवशिष्ट कोण अवशिष्ट बाहु आर ए बाहु सहित समान आर ए बाहु आर ए बाहु सहित समान ताले अवशिष्ट बाहु रहला के ओ एन दैट इज ओ एन बाहु सर्वसम को बाहु अबे ओ एम सी नै जीवा आगे एटा नै जरे एटा को नै होने एटा कोन हमी ओ एम सर्वसम ओ एन बुझला दैट इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन कारण सर्वसम हेले समान हेबे समान हेले सर्वसम हेबे हला बस एटा थिला हमर प्रमाण प्रमाणित देखले एटा प्रमाण आबा दिला नै ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बा ओ एम सर्वसम ओ एन से कह भाई सम दूरवर्ती तेणु दूरता देला माने इज इक्वल टू चिन्ह दबो जदि कहि दादा केन्द्रटा रु सर्वसम ज्या द्वयर दैर्घ्य सर्वसम तले एटी लिखि दिदा केन्द्रटा रु सेही लंब दिटा सर्वसम तले एटा एटी साथ दिदा किंतु कहि सम दूरवर्ती तेणु दूरता मिला माने ओ एम इज इक्वल टू ओ एन आ जस्ट टिकट दि अछि बुझला ये थिला हमर उपपाद्य 8 तले उपपाद्य 8 टी कोण हला कोण हला वृत्तर केन्द्र रु ना गोटिए वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केन्द्र ठारु सम दूरवर्ती एटा को मन रखि दिबो आउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आज मैं ये ठीक था।